प्रणाम श्रोताओं, स्वागत है आपका दिव्यशल इफेक्ट्स में। तो आज हम जानेंगे संत कबीरदास और एक व्यक्ति की कहानी। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं। संत कबीरदास प्रतिदिन सत्संग किया करते थे। दूर दराज से लोग उनकी बात सुनने आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी वहीं बैठा रहा। कबीर जी ने इसका कारण पूछा तो वह बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं गृहस्थ हूँ, घर में सभी लोगों से मेरा झगड़ा होता रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वह कैसे दूर हो सकता है। कबीरदास थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। कबीर जी की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वह आदमी आश्चर्यचकित होकर देखता रहा, सोचने लगा, इतनी दोपहर में कबीर जी ने लालटेन क्यों मंगाई है। कुछ देर बाद कबीरदास अपनी पत्नी से बोले कि कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा कि यह तो शायद पागलों का घर है, मीठे के बदले नमकीन और दिन में लालटेन। वह बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीरदास ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी भी कुछ संशय बाकी है। वह व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कबीरदास ने कहा, जैसे मैंने लालटेन मंगाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सठिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या आवश्यकता। लेकिन नहीं, उसने सोचा कि अवश्य किसी काम के लिए लालटेन मंगाई होगी। मीठा मंगाया तो नमकीन देकर चली गई, हो सकता है घर में कुछ मीठी वस्तु ना हो। यह सोचकर मैं चुप रहा। इसमें झगड़ा कैसा, आपसी विश्वास बढ़ाने और तकरार में ना फंसने से विषम परिस्थिति अपने आप दूर हो जाती है। उस आदमी को बहुत हैरानी हुई। वह समझ गया कि कबीरदास ने यह सब उसे बताने के लिए किया था। कबीरदास ने कहा, गृहस्थी में आपसी विश्वास बढ़ाने से ही तालमेल बनता है। आदमी से गलती हो जाए तो औरत संभाल ले, और औरत से कोई गलती हो जाए तो पति उसे नजरअंदाज कर दे। बस यही गृहस्थी का मूल मंत्र है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देवशल इफेक्ट्स में आप ऐसे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद।